वंदे मातरम साथियों, मैं मनीष गुप्ता अंग्रेजी सीखिए अर्थपूर्ण ईडियम्स के साथ के 169वें अंक की कर रहा हूँ शुरुआत। आज मैं जिन दो ईडियम्स की चर्चा करूंगा वो इस प्रकार हैं। नंबर वन, रीड बिटवीन द लाइंस। नंबर टू, रेसी स्टाइल। साथियों, पहले ईडियम की चर्चा कर लेते हैं। रीड बिटवीन द लाइंस या रेड बिटवीन द लाइंस, स्पेल आउट कर देता हूं, READ, रीड BETWEEN, बिटवीन THE, द LINES, लाइंस। साथियों, रीड बिटवीन द लाइंस का अर्थ होता है जो कहा जा रहा है या जो लिखा गया है या किसी परिस्थिति में हमें जो दिख रहा है उसके वास्तविक एवं छुपे हुए अर्थ को समझना, जिसे कि स्पष्ट रूप से ना तो कहा गया है ना लिखा गया है, ना कि जो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। साथियों, एग्जाम्पल्स को द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा। पहले अंग्रेजी में एग्जाम्पल दूंगा, फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। एग्जाम्पल नंबर वन, ही सेड दैट ही इज वेरी हैप्पी बट इफ वी रेड बिटवीन द लाइन्स ही इज वेरी सैड टूडे। उन्होंने कहा कि वो बहुत खुश हैं, लेकिन यदि हम उन्होंने जो कहा है उसके वास्तविक अर्थ को समझें तो आज वो बहुत दुखी हैं। नंबर टू, हिज रिटन स्पीच इज वेरी सिंपल बट इफ यू रीड बिटवीन द लाइन्स इट इज फुल ऑफ क्रिटिसिज्म। उनका लिखित भाषण बहुत साधारण है, लेकिन यदि आप उसके छुपे हुए अर्थ को समझे तो यह आलोचना से परिपूर्ण है। नंबर थ्री, डोंट बिलीव इमीडिएटली व्हाट यू रीड लिसन और सी, लर्न द आर्ट ऑफ रीडिंग बिटवीन द लाइंस। आप जो भी पढ़ते हैं, सुनते हैं या देखते हैं उस पर तुरंत विश्वास नहीं कीजिए, उसके पीछे के वास्तविक एवं छुपे हुए अर्थ को समझने की कला सीखिए। साथियों, अब दूसरे ईडियम की चर्चा कर लेते हैं, रेसी स्टाइल। स्पेल आउट कर देता हूं, RACY, रेसी STYLE, स्टाइल। साथियों, रेसी स्टाइल का अर्थ होता है जीवंत एवं विशिष्ट शैली, अन्य सभी से अलग, रोचक एवं ताजा। साथियों, एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा। एग्जाम्पल नंबर वन, हरिओम पवार जी राइट्स इन ए रेसी स्टाइल। हरिओम पवार जी जीवंत एवं विशिष्ट शैली में लिखते हैं। नंबर टू, ही एड्रेस्ड द ऑडियंस इन ए रेसी स्टाइल। उन्होंने रोचक, जीवंत एवं विशिष्ट शैली में दर्शकों को संबोधित किया। नंबर थ्री, एवरीवन हैज एप्रिसिएटेड हिज रेसी स्टाइल। सभी ने उनकी जीवंत एवं विशिष्ट शैली की प्रशंसा की है। साथियों, मैंने दो मुहावरे, तीन तीन एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूं अपने प्रयास में सफल रहा हूं। अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा, मैं प्रतीक्षा करूंगा। साथियों, अंत में यही कहूंगा, अंग्रेजी या अन्य कोई भी भाषा सीखें, सीखनी चाहिए, लेकिन यदि नहीं सीख पाते हैं तो कोई शर्म डर झिझक की बात नहीं है, लेकिन अपनी मातृभाषा एवं राजभाषा हिंदी सभी को अवश्य सीखनी ही चाहिए। मित्रों, स्वर्गीय भारतेंदु हरीशचंद्र जी के अमर पंक्तियों से अपनी बातों को समाप्त करूंगा, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न है को शूल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंद, भारत माता की जय।